हेलो चैंपियंस, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रियेश्वर विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, क्यों सब लोग कंप्यूटर और आईटी के पीछे ही भाग रहे हैं? क्यों कोई मैकेनिकल के बारे में नहीं सोचता? क्यों कोई सिविल के बारे में नहीं सोचता? क्यों कोई इसी इलेक्ट्रिकल जो डिफरेंट ब्रांच है कंप्यूटर और आईटी से, उसके बारे में नहीं सोचता? तो बेटा, आज मैं इस वीडियो में आपको एक प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। इसके बाद आप भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई, बात तो सही है, कंप्यूटर और आईटी में कुछ तो दम है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन चीजें बता दूं कि एडमिशन रिलेटेड क्वेरी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सभी वीडियोस की हमारी लिंक आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ्स आती है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप अगर कोई ज्वाइंट नहीं किया है तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, डी2डी का अलग है, डिग्री का अलग है, डिप्लोमा का अलग है, फार्मेसी का अलग है, आप ज्वाइंट कर सकते हो। साथ में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल भी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइंट कर सकते हो। प्रियेश्वर विद्यापीठ सेम नाम से हमारे अकाउंट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे इंजीनियरिंग में भी हमारी चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब मैं सबसे पहले आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर से पास आउट होता हूं और मेरे को मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैकेनिकल की जो मशीनें आती है वो बहुत महंगी आती है। उसके बाद वर्कर रखने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है, सुबह से शाम जाना पड़ता है, और नहीं एसी नहीं होता है वैसे कंपनी के अंदर। तो जितनी भी बाकी की ब्रांच है उसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है अगर खुद का बिजनेस शुरू करना है तो। सामने कंप्यूटर और आईटी अगर है तो उसमें इनिशियल कॉस्ट उतना नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस की जरूरत होती है और थोड़े बहुत कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर्स के अलावा तो कुछ काम नहीं होता। उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्री में मिल जाते हैं, कंप्यूटर्स के कॉस्ट भी उतने कुछ होते नहीं है। तो सबसे पहली बात है, अगर खुद का बिजनेस शुरू करना है तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कंप्यूटर आईटी में बहुत कम है। अब यहाँ पे एक मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर और आईटी का जितना एवरेज पैकेज है वो बहुत सारी ब्रांच का मैक्सिमम पैकेज है फाइनल। और ये फोटोग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला का है, मतलब एनआईटी का फोटोग्राफ लिया है। आपको पता ही होगा आईआईटी और एनआईटी क्या है। 2019 से लेकर के 2020 ये जो ईयर है एकेडमिक ईयर, उसका ये प्लेसमेंट का फोटोग्राफ है। बेटा ध्यान से वीडियो को समझना, क्योंकि एक बार एडमिशन ले लिया, गलत ब्रांच पकड़ ली, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है वो अभी से कोई नहीं बता सकता। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मेरा काम आपको गाइड करना है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा। देखो, आप यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स लिखे हैं बीटेक के, अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स है सारे, जॉब ऑफर लिखी है, मिनिमम पैकेज, मैक्सिमम पैकेज, एवरेज पैकेज, वो सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप पहली ब्रांच देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग लिखी है। तो इसके अंदर बेटा आप शीट्स देख रहे हो, इसके अंदर आप जॉब ऑफर देख रहे हो, 27 जॉब ऑफर गई है, जिसमें मिनिमम पैकेज था 3.60, मैक्सिमम था 15 लाख का और एवरेज था 6.26 का। ये पूरे साल के पैकेज की बात है, पूरा साल का सैलरी है। सिविल इंजीनियर आप देख सकते हो, जिसमें टोटल 21 जॉब ऑफर हुए हैं, जिसमें मिनिमम पैकेज 4 लाख के आसपास है, मैक्सिमम 11 लाख के आसपास है और एवरेज 6 लाख के आसपास है। केमिकल में भी सेम रेशियो 22 लाख तक गया है, केमिकल में मैक्सिमम पैकेज एवरेज 6.5 लाख के आसपास है, मिनिमम 3.5 लाख के आसपास है, 31 जॉब ऑफर हुई है। सेम टू सेम सिरामिक लिखा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंप्यूटर साइंस के ऊपर नजर डालो, जितने भी हुए हैं प्लेसमेंट उसके नंबर देखो, बायोटेक्नोलॉजी में 27, सिविल में 21, केमिकल में 31, सेरामिक में 23, कंप्यूटर में 94 है। देखो इससे ज्यादा कहीं पे नहीं दिख रहे। ईसी में 74 है, इलेक्ट्रिकल में 55 है, फूड में 13 है, इंडस्ट्रियल में 19 है, मैकेनिकल में 79 है, मतलब मैकेनिकल में है 79, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 33 और माइनिंग में 30 है, मतलब सबसे मैक्सिमम आपको कंप्यूटर का दिख रहा है। तो सबसे पहले जॉब ऑफर हाईएस्ट किस में है, कंप्यूटर में है। अब आप कंप्यूटर का एवरेज देखना, 15 लाख है कंप्यूटर का बेटा एवरेज, 15 लाख है, और मैक्सिमम देखो 42 लाख है, मैक्सिमम 42 किसी में भी नहीं है। अब आप थोड़ा नजर डालो, इसका जो एवरेज है कंप्यूटर में, जो जॉब एवरेज मिली है सबको प्लेसमेंट, वो मोस्टली मैक्सिमम में आप चेक करो, बायोटेक्नोलॉजी का मैक्सिमम 15 तो कंप्यूटर का एवरेज 15, सिविल का मैक्सिमम 11 तो कंप्यूटर का तो एवरेज सिविल के मैक्सिमम से ज्यादा है। अब केमिकल का 22 लाख तक पहुंचा है, वो एक या दो स्टूडेंट को मिला होगा, इसमें 15 लाख है। सेरामिक में 11 है तो इसमें तो एवरेज 15 है, तो उसका मतलब कंप्यूटर में तो और भी ज्यादा है, उससे तो ज्यादा ही है। ईसी में 34 तक गया है, एवरेज 10 तक है, एवरेज उसकी कम है। अब इलेक्ट्रिकल में 15 लाख है तो यहां पे तो 15 से भी ज्यादा है, कि इलेक्ट्रिकल में जो मैक्सिमम पैकेज है वो कंप्यूटर के एवरेज पैकेज से ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग का भी देखो 12,
कंप्यूटर के एवरेज से कम है, इंडस्ट्रिकल की कम है, मैकेनिकल का उसके आसपास ये 2 लाख में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, मेटलर्जिकल का भी उससे कम है, माइनिंग का भी उससे कम है। तो ये फोटोग्राफ से आपको बेटा इतना पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर का एवरेज पैकेज स्टूडेंट को मिला है वो बाकी की ब्रांच का मैक्सिमम पैकेज। अब मैक्सिमम पैकेज मतलब एक या दो स्टूडेंट को ही मैक्सिमम मिलता है, और एवरेज मतलब सभी स्टूडेंट का मिला के एवरेज निकाला है तो उसके आसपास ही सभी स्टूडेंट का होना चाहिए। बहुत कम भी देखो तो 3.5 है, और बहुत मैक्सिमम भी देखो तो 42 है। तो बेटा एक चीज यहां से क्लियर हो रही जो यहां पे लिखी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल में हाईएस्ट पैकेज करता कंप्यूटर नु एवरेज पैकेज पण वधारे छे, और ये बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जब मैकेनिकल कर रहा था उसके बाद मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पे कंप्यूटर कर रहे थे, वो लोग भी बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला, सुनना बेटा कहानी, वो भी बाहर निकले मैं भी बाहर निकला। अब उनके पैकेजेस मेरे से ज्यादा थे, मेरा जो पैकेज था उनसे कम था, हाँ, लेकिन मैंने मेरा फ्यूचर सेट किया था कि मेरे को कोचिंग इंडस्ट्री में आना है और अपना खुद का ही बिजनेस सेट करना है, तो मेरा मेरे दिमाग में तो अलग खेल चल रहा था कि भाई उनसे पैकेज भले अपे कम है लेकिन आफ्टर ऑल मैं टोटल निकालू मेरे ट्यूशन क्लासेस और पैकेज तो उनसे तो कहीं गुना ज्यादा था। तो मेरा कुछ सेट था प्लानिंग, और मेरे मैकेनिकल लेने के पीछे का रीजन था कि मेरे को 11th-12th फिजिक्स की फील्ड में आना था, तो चाहे मैं मैकेनिकल दूं या इसी इलेक्ट्रिकल दूं, मेरे को कंप्यूटर और आईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, और मेरे को उस फील्ड में भी जाना नहीं था, और मेरे को वो बैठे बैठे वर्क करना पसंद नहीं है। कंप्यूटर आईटी में जो बैठे बैठे मेरे को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो आपका बेटा गोल क्या है, आपके फ्रेंड्स बोले वो आपका गोल नहीं है, आपके टीचर्स बोले वो आपका गोल नहीं है, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो? अगर आपको फ्यूचर में केमिस्ट्री का टीचर बनना है तो केमिकल करें, क्योंकि मेरे जितने भी केमिस्ट्री के टीचर्स कांटेक्ट में है वो मोस्ट प्रोबेबली केमिकल इंजीनियर ही है, और वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, और 11th-12th की फील्ड में मोस्टली इंजीनियर ही अच्छा काम दे रहे हैं, बीएससी एमएससी वाले दे रहे वैसा नहीं, लेकिन इंजीनियर बहुत ज्यादा है। तो आपका चॉइस क्या है, आपको गवर्नमेंट में जाना है? अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो इंजीनियरिंग ही छोड़ दीजिए, सीधा बीएससी में चले जाइए, क्योंकि 3 साल में ग्रेजुएशन फिर आप गवर्नमेंट दे दो, यहाँ पे 4 साल तक टूटना पड़ेगा, और बीएससी के साथ साथ आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रिपरेशन करना बेटा टफ है। तो ये मैंने आपको जो दिखा है वो सारी चीजें व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप भी थोड़ा आइडिया लगा पाओ कि क्यों कंप्यूटर आईटी आगे है। ऐसा नहीं कि बाकी की ब्रांच में जॉब नहीं है, जॉब हर एक ब्रांच में है, लेकिन फिर टैलेंट के ऊपर जाता है, फिर आपका मनी का बैकग्राउंड कितना है। अगर फ्यूचर में बिजनेस शुरू करना है तो भाई आपका जो होता है बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड भी पैसों वाला होना चाहिए, तो आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो इसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली लोग कंप्यूटर आईटी में जाते हैं, लेकिन जॉब हर एक ब्रांच में है, कंप्यूटर आईटी में चांसेस ज्यादा है, सोर्सेज ज्यादा है, फील्ड वास्ट हो जाती है, बाकी में चांसेस कम है, फील्ड थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन टैलेंट होगा तो वहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी एडमिशन में ये सारी चीजों का पता रहे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि पूरी एडमिशन प्रोसेस में हमारी टीम आपके साथ रहेगी। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।